उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में शुक्रवार को एक बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ। भारी बारिश के कारण निर्माणधीन मकान की दीवार ढह गई और हादसे में 3 मासूम बच्चों की मौत हो गई, जबकि 5 मासूमों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे के बाद से परिवार में मातम का माहौल छाया हुआ है। मृतक बच्चों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बारिश आई लोगों के लिए गर्मी से राहत लाई, लेकिन इस परिवार के लिए ये बारिश मातम लेकर आई। इन तस्वीरों को देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हादसा कितना भयानक रहा होगा। दीवारों के बीच लोहे के इतने बड़े बड़े रॉड जब उस मासूमों के ऊपर गिरे होंगे तो उनका क्या हाल हुआ होगा, सोचकर ही दिल सहम सा जाता है। ये हादसा सूरजपुर थाना क्षेत्र के खोदना कला गाँव में हुआ, जहाँ रहने वाले सगीर के घर गर्मी की छुट्टियों में मासूम अपनी नानी के घर आए हुए थे। लेकिन यहाँ कुछ ऐसा हो जाएगा ये सोच से भी बहुत बड़े था। पर कहते हैं ना, होने को कोई टाल नहीं सकता। घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। परिवार तो परिवार, आसपास रहने वाले लोग भी घटना को लेकर सकते में है। घटना के वक्त मौके पर ही चीख पुकार मच गई। मौके पर लोगों ने खुद ही राहत बचाव का मोर्चा संभाला। फिर आनन फानन में पुलिस प्रशासन भी पहुंच गया। फिर बच्चों का रेस्क्यू कर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 3 बच्चों ने दम तोड़ दिया तो वहीं घायल 5 बच्चों का अस्पताल में इलाज जारी है। फिलहाल मासूम के शवों को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और अब मामले की जांच में जुट गई है। पीड़ित परिजनों को अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि उनके बच्चे अब इस दुनिया में नहीं रहे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।